guided by mechanical engineer Deepak Sir. चले तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं 25% बराबर आपका कितना है। 25% की साधारण भिन्न निकाले तो कितना होगा, 25/100, इसको काटेंगे तो आपको कितना मिलेगा, 1/4 मिलेगा। क्लियर। अब देखिए, राहुल राम से 25% धन अतिरिक्त कमा रहा था, इसका मतलब है कि राम 4 कमा रहा था तो राहुल जो है राम से 1 धन अधिक कमा रहा था। तो राम कितना कमा रहा था, 4, और 1 धन अतिरिक्त कमा रहा था कौन, राहुल, तो ये कितना कमाएगा, 5। क्लियर। प्रश्न में बोला है, मतलब प्रश्न में आपसे पूछ रहा है कि राम राहुल से कितना प्रतिशत धन कम कमाता है। तो देखिए, राम कमाता है 4, राहुल कमाता है 5, तो कितना धन कमा रहा है, 1 कम कमा रहा है। क्लियर। अब निकालना है प्रतिशत, तो हम लोग नीचे किसको रखेंगे, तो देखिए, जिसका कंपेयर जिसके साथ किया जाए, मतलब कोई भी व्यक्ति जिसका कंपेयर जिसके साथ किया जाए, मतलब आप किसके साथ कंपेयर करेंगे उसको वैल्यू को कहां पे रखेंगे, नीचे में रखेंगे। तो राम का कंपेयर राहुल के साथ किया जा रहा है तो राहुल का इनकम कहां पे आएगा, नीचे में आएगा, और गुना कितना होगा आपका, 100। काटेंगे तो आपको कितना मिलेगा, 20%। क्लियर है। तो यहाँ पे राम जो है राहुल से कितना प्रतिशत कम धन कमाता है, 20% कम धन कमाता है। क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए राहुल राम से 16/2/7% धन आपका जो है अतिरिक्त कमाता है, तो बताए कि राम, इसी के बेसिस पे दूसरा क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं, तो बताए कि राहुल राम से कितना प्रतिशत धन कम कमाता है। चलिए इसके बेसिस पे ही सेम क्वेश्चन है, इसके बेसिस पे मैं आपको करवा देता हूँ, हमारे पास टाइप का क्वेश्चन है, सारा डिटेल से अपन करते चलेंगे। देखिए यहाँ पे भी आपका कितना है, राहुल है और उसके बाद कौन है, राम है। परसेंटेज का वैल्यू कितना है, 16/2/7% है, इसको यदि अपन निकाले, अच्छा 16/2/3 था, यहाँ पे 2/3 कर लीजिए, 16/2/3% था, तो इसको ऐसे कर लीजिए। अब देखिए 16 × 3 = 48 है, तो कितना 50 हो जाएगा, 50/3% की वैल्यू हटाएंगे बटा में आपका कितना आ जाएगा, 100, 50 × 100। क्लियर है। तो यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा, 3 × 6, इसका मतलब है कि राम कितना कमाता है, 6 कमाता है, तो राहुल कितना कमाता है, 7 कमाता है। क्लियर है। इन दोनों का अंतर कहाँ पे रखेंगे, ऊपर। और देखिए प्रश्न क्या बोला है, राम राहुल से, तो राम का कंपेयर राहुल के साथ किया जा रहा है तो राहुल का जो इनकम होगा वो कहाँ पे आएगा, नीचे आएगा, और गुना कितना, 100। आप इसको करेंगे तो आपको मिलेगा 14/2/7%। क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं निकाल रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए या एक क्वेश्चन और लिख लीजिए इसी में। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, यदि राहुल सोनू से 20% कम कमाता है तो कम कमाता है तो सोनू राहुल से कितना प्रतिशत अधिक कमाता है। हाँ चलिए इस टाइप का भी क्वेश्चन कर लीजिए, ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। देखिए व्यक्ति कौन कौन है, एक है राहुल और दूसरा है आपका सोनू,
क्लियर है, परसेंटेज का वैल्यू है आपके पास कितना 20%। तो देखो 20% का साधारण भिन्न कितना होता है 5, क्लियर है। तो प्रश्न में देखिए कौन ज्यादा कमा रहा है, राहुल सोनू से 20% कम कमाता है। तो देखिए अब देखिए राहुल सोनू से 20% कम कमाता है तो इसका मतलब है कि सोनू ज्यादा कमाता है, तो ज्यादा वाला आपका कहाँ पर रहेगा, नीचे। तो सोनू कितना कमा रहा है, 5 कमा रहा है, ठीक है। सोनू कितना कमा रहा है, 5। राहुल क्या करता है, सोनू से 20% कम कमाता है तो जो आपका ऊपर वाला वैल्यू रहेगा वो क्या करेगा, कम कमाएगा उतना। तो 5 एक कमा रहा है, 5 में से घटाएंगे तो आपको कितना मिलेगा, 4, क्लियर है। तो राहुल कितना कमाएगा, 4 कमाएगा, और सोनू कितना कमाएगा, 5 कमाएगा, क्लियर है। तो पूछा क्या है, सोनू राहुल से कितना परसेंट अधिक कमाता है। तो देखिए इन दोनों का अंतर कितना मिला, 1 मिला, और सोनू राहुल से कितना परसेंट अधिक कमाता है। तो सोनू का कंपेयर राहुल के साथ हुआ तो राहुल का इनकम नीचे और गुना कितना, 100। इसको काट लेंगे तो आपको कितना मिलेगा, 25%। और यही आपका क्या होगा, आंसर होगा कि सोनू जो है राहुल से 25% अधिक कमाता है, क्लियर। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं अभी। चलिए क्वेश्चन में हमारे पास है, यदि किसी संख्या में उस संख्या का, देखो क्वेश्चन नंबर 4 है, यदि किसी संख्या में, यदि किसी संख्या में उस संख्या का 66.2/3% जोड़ा जाता है तो वह संख्या 39 हो जाती है। तो वास्तविक संख्या ज्ञात कीजिए, देखिए अभी आपका क्वेश्चन का लेवल काफी कम रहेगा, बाद में जाकर के बढ़ेगा, ठीक है। अब देखिए इसमें हम लोग कैसे करेंगे, 66.2/3% को कैसे लिखेंगे। देखिए 66.2/3% को कैसे लिखेंगे, 66 × 3 करेंगे तो कितना होगा, 198। 198 में 2 जोड़ेंगे तो आपको कितना मिलेगा, 200। 200/3 परसेंट की वैल्यू हटाएंगे तो बटा में आपका कितना आएगा, 100। ये वाला और ये वाला कैंसिल हो जाएगा, क्लियर है। तो आपको भिन्न कितना मिल गया, 2/3। देखो इसका मतलब है कि पहले था आपका संख्या कितना, 3, आपने जोड़ कितना दिए, 2 जोड़ दिए, तो अब आपका संख्या कितना बन गया, 5 बन गया। और हमारे प्रश्न में अब संख्या कितना बढ़ रहा है, 39। तो 5 बराबर कितना हो जाएगा, 3900। तो 1 बराबर आपका कितना हो जाएगा, 3900/5। पूछा क्या है वास्तविक संख्या, तो वास्तविक संख्या आपका क्या रहेगा, नीचे वाला। तो हम लोग क्या करेंगे, 3 से दोनों तरफ गुना कर देंगे और यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। तो काट लीजिए, 5 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 से 35, फिर आपको कितना मिलेगा, 4 मिलेगा। तो 4 × 0 = 8, 5 = 40, क्लियर है। तो आपका कितना हो जाएगा, 0 × 8 = 24, 17 × 21 23, 2340 आपका आंसर आएगा, क्लियर है। तो इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 4 हुआ। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, लिखते चलिए आप लोग, ज्यादा टफ नहीं है। चलिए और एक दो क्वेश्चन इसी पे करवा देता हूं मैं आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, चलिए क्वेश्चन 3 से क्या है, यहाँ पे कर लीजिए 16.2/3%, क्वेश्चन आपका चेंज हो गया है। चलिए आप लोग खुद से कोशिश कीजिए बनाने का।
पहले जीरो लेवल से चलेंगे, उसके बाद अपन क्वेश्चन का लेवल हाई करेंगे, सो डोंट वरी। चलिए बन गया होगा आप लोगों से। देख, सोलह पूर्णांक 2/3% को कैसे लिखेंगे? 16 48 और 2 50, 50 बटा कितना हो जाएगा 3, और बटा में आपका कितना हो जाएगा 100। क्लियर? इससे आप काटेंगे तो आपको कितना मिलेगा, दो बार में कटेगा, और यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई करें तो 1/6। क्लियर? अब देखिए, इसका मतलब था कि पहले कितना था 6, आप जब एक जोड़े तो अब कितना बन गया 7 बन गया। क्लियर? प्रश्न क्या बोल रहा है कि यदि किसी संख्या में उसी संख्या का 16 पूर्णांक 2/3% जोड़ा जाता है तो वह संख्या कितना हो जाता है, 42 हो जाता है, तो वह संख्या क्या थी? तो यहाँ पे पहले था 6, ऊपर जितना रहेगा उतना जोड़ा जाएगा, घटाने की बात होगा तो घटा लेंगे, तो 6 में एक जोड़े तो आपको कितना मिला 7, और इसके हिसाब से हमारे प्रश्न में कितना दिया हुआ है 42। यहाँ पे कितना हो जा रहा है 7, और यहाँ पे कितना हो रहा था 42, तो 7 बराबर कितना हो जाएगा 4200, तो 1 बराबर आपका कितना हो जाएगा 600। पूछा है वास्तविक संख्या, तो वास्तविक संख्या 6 के बराबर है, तो 6 के बराबर निकाल लेंगे तो आपको कितना मिलेगा 3600, और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्लियर? और जोड़ने वाला संख्या को बोला जाए कि कितना जोड़ा गया, तो 1 बराबर निकाल दिया तो 1 बराबर आपका कितना आ गया 600। तो कितना जोड़ा गया 600, वास्तविक संख्या कितना है आपका 36। क्लियर? चलिए अगला देखिए, देखिए आप क्वेश्चन कैसे पूछेगा, यदि किसी संख्या में उसी संख्या का से जोड़ा जाता है तो वह 16 पूर्णांक 2/3% हो जाता है। हो जाता है तो वास्तविक संख्या ज्ञात कीजिए। देखो प्रश्न समझिए, छठा नंबर, यदि किसी संख्या में उस संख्या का 96 से जोड़ा जाता है तो वह संख्या 16 पूर्णांक 2/3% हो जाता है, तो वास्तविक संख्या क्या है वो तो आपको निकाला जाता है। और संख्या का यहाँ पर नहीं कीजिएगा, हाँ, यदि किसी संख्या में 96 जोड़ा जाता है तो वह संख्या 16 पूर्णांक 2/3% हो जाता है, तो वास्तविक संख्या ज्ञात कीजिए। क्लियर है? चल अब इसको देखिए कैसे बनाएंगे। परसेंटेज का वैल्यू कितना है 16 पूर्णांक 2/3%, इसको कैसे लिखेंगे? 16 48 2 50 50 3 परसेंट हटाएंगे बटा में 100, ये कितना हो जाएगा 1/6। क्लियर है? अब देखिए, पहले था संख्या 6, आपने जोड़े कितना 1। क्लियर है? तो यहाँ पे आप कितना जोड़ रहे हैं, 1 जोड़ रहे हैं, और हमारे प्रश्न में कितना जोड़ने के बाद कहा गया है 96 कहा गया। क्लियर? तो 1 बराबर कितना आ जाएगा 96, तो आपको पूछा है कि वास्तविक संख्या क्या है, तो 6 बराबर निकाल लीजिए, 1 बराबर 96, तो 6 बराबर कितना आ जाएगा 96 गुना 6, तो आपका कितना हो जाएगा 6 6 36 9 6 54, और 54 और 3 कितना हो जाएगा 57। तो आपका जो आंसर होगा वो 576 के तरफ, हाँ, तो आपका जो आंसर होगा वो देखिए, 1 बराबर कितना हो जाएगा 96, तो 6 बराबर कितना हो जाएगा 96 गुना 6, तो कितना हो जाएगा 6 6 36 का 6, हाथ में कितना आपका 3, 9 6 54 और 3 57, तो वास्तविक संख्या आपको कितना मिल गया 576। क्लियर है? और आप जोड़े तो आपका संख्या कितना मिल गया वो भी निकाल लीजिए, 7 बराबर निकाल लीजिए, 1 बराबर 96 तो 7 बराबर निकाल लीजिए, तो कितना हो जाएगा 7 6 42 7 में 4 7 9 63 63 8 4 67 672, तो जोड़ने के बाद संख्या आपका कितना मिला 672, वास्तविक संख्या 576, जोड़े कितना है 96। क्लियर है? चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 7,
देखिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, यदि चलिए आप हमारे पास क्वेश्चन है, यदि किसी वर्ग के भुजा में, चलिए यदि किसी वर्ग की भुजा में 10% अच्छा 40% की वृद्धि कर दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत की वृद्धि होगा। चलिए अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे भी इसके भी बनाने के दो तीन तरीके हैं, तो मैं आपको ऐसे ही सिंपली बता दूंगा, ज्यादा मेथड पे नहीं जाएंगे अपन। हाँ देखिए, अब देखिए यहाँ पे आपका वर्ग कहाँ किसके गया, मतलब कहाँ किसके बारे में गया है, आपका वर्ग के बारे में कहा गया है। तो वर्ग क्या होता है इसके बारे में सबसे पहले हम लोग जानेंगे। तो वर्ग क्या होता है, ऐसा फिगर जिसमें लंबाई चौड़ाई बराबर हो, ठीक है, तथा उसका विकर्ण भी आपस में बराबर हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं। क्लियर। तो यहाँ पे कंडीशन आपका क्या बन जाएगा, ऐसा फिगर जिसमें लंबाई चौड़ाई बराबर हो और वर्ग का विकर्ण भी आपका क्या हो, बराबर हो। क्लियर है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ए बी सी डी, ये आपका क्या हो गया, वर्ग हो गया। क्लियर। तो देखिये मैथड नंबर 1 इसको कैसे बनाएंगे, मैथड नंबर 1, एरिया इसका कितना होता है, इसका भुजा अपन मान लिए ए, एरिया इसका बोले तो कितना हो जाएगा, भुजा स्क्वायर या साइड का स्क्वायर। क्लियर है। तो मेथड नंबर 1 की बात करें तो हम लोग क्या करते हैं, स्टार्टिंग में मान लेते हैं कि आपका लंबाई भी 100% है और चौड़ाई भी 100%। क्लियर। तो देखिए किसी वर्ग के भुजा में 40% का वृद्धि किया गया, तो लंबाई है 100, इसमें आपने 40 का वृद्धि कर दिया तो कितना हो गया, 140। उसके बाद चौड़ाई है 100, आपने 40% का वृद्धि कर दिए तो कितना हो गया, 140। हम लोग क्या करेंगे, दोनों का गुणा करेंगे और बटा में कितना करेंगे, 100। क्लियर। ये वाला कैंसिल हो जाएगा तो आपको मिलेगा कितना, 96। क्लियर। तो अभी आपको कितना मिल गया, 196%, और स्टार्टिंग में क्षेत्रफल कितना रहता है, 100%। स्टार्टिंग में क्षेत्रफल आपका कितना रहता है, 100%, अभी आपने निकाले तो कितना मिल गया, 196%। तो बढ़ा कितना आपका, 96%। तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अब मेथड नंबर 2 के बारे में डिस्कस, मेथड नंबर 2 देखते, मेथड नंबर 2 देखिए, परसेंटेज की वैल्यू कितना है आपका, 40%। 40% का निकाले तो कितना होगा, 40/100, ये काट लेंगे, 4 का आधा 2, 10 का आधा 5, तो आपको कितना मिलेगा, 2/5। क्लियर है। इसका मतलब है कि पहले था उसका 5। क्लियर है। पहले था उसका कितना, 5, अब कितना हो गया, 7, 2 बढ़ गया। क्लियर है। पहले उसका भुजा कितना था, 5, अब 2 बढ़ गया तो कितना हो गया, 7। क्लियर है। यहाँ पे आपका क्या हो गया, भुजा हो गया, और यहाँ पे इसका क्या हो गया, एरिया निकाल लेंगे, मतलब क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25, और 7 का स्क्वायर करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 49। क्लियर है। देखिए पहले था आपका कितना, 5, फिर 12 तो कितना हो गया, 7। तो पहले 5 था तो उसका क्षेत्रफल कितना मिला आपको, 25, फिर 7 हुआ तो उसका क्षेत्रफल कितना हुआ, 49। पहले क्षेत्रफल था 25, अब क्षेत्रफल हो गया 49, बढ़ा कितना, 24 बढ़ा, कहाँ से बढ़ा, 25 से, और गुना कितना करेंगे, 100। 25 से काट लेंगे तो आपको कितना बार में कटेगा, 4 बार में, और 4 गुना 24 करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, 96%। क्लियर। तो आपका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 96%। क्लियर। चलिए ये आपका हो गया तरीका,
इसको भी आप लिख लीजिए आप लोग। अब आते हैं मेथड नंबर 3 पे, देखें और कैसे इसको बना सकते हैं। देखो मेथड नंबर 3, मेथड नंबर 3 देखो, इसके लिए आपको एक फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। वो फॉर्मूला का मैं लिख देता हूं, 2x + -x² और बटा कितना से, सॉरी बटा कितना हो जाएगा आपका 100। क्लियर है, आपको फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे 2 × x का मान क्या है, जो आपका प्रतिशत है वो कितना हो जाएगा 40। अधिक है तो प्लस का साइन, कम है तो माइनस का साइन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा क्योंकि अधिक है। उसके बाद कितना 40 × 40 और बटा कितना 100, ये वाला कैंसिल हो जाएगा, 40 × 80 अच्छा चौको 16 कितना हो जाएगा 96%, तो आपका आंसर हो जाएगा 96%। क्लियर है, तो इस प्रकार आपका मेथड नंबर 3 से भी आ गया। क्लियर है, चले बढ़ते हैं एक और क्वेश्चन देख लीजिए। चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, यहाँ पे 40 न देकर इस बार कितना देते हैं 10%, आप लोगों को बनाना है। सभी बच्चा लोग असाइनमेंट और ये सॉरी नोट्स अपना बनाते चलेंगे। 10% क्लियर है, ये आपका क्या हो गया छोटा सा, इधर बना लेता हूं मैं क्योंकि हमारे पास स्पेस बच जाएगा। ए बी सी डी ये हो गया आपका साइड। क्लियर है, चले देखें मेथड नंबर 1। मेथड नंबर आप लोगों को खुद से बनाना है मेथड नंबर 2, उसके बाद है आपका मेथड नंबर 3, आपको खुद से बनाना है, बनाइए आप लोग कोशिश कीजिए। चलिए देखें मैथड नंबर 1 में देखें आपका कितना है 10% है ना, पहले इसका साधारण भी लिख दीजिए कितना होगा 10/100, काट लेंगे तो आपको कितना मिलेगा 1/10। क्लियर, चलिए मैथड नंबर 1 में देखिए हम लोग क्या मान करके चलते हैं, लंबाई भी 100% है और आपका चौड़ाई भी कितना है 100%। क्लियर, और उसके बाद इसका जो एरिया होता है वो कितना होता है ए स्क्वायर होता है। क्लियर, तो देखिए पहले था 100, आपने कितना बढ़ा दिया 10, तो कितना हो जाएगा 110। उसके बाद लंबाई पहले था 100, आपने कितना बढ़ा दिए 10 बढ़ा दिए तो 110। चौड़ाई था पहले 100, आपने 10 बढ़ा दिए तो कितना हो गया 110। क्लियर है, और बटा में कितना हो जाएगा 100 कट जाएगा तो आपको कितना मिलेगा 121। क्लियर, पहले रहता है क्षेत्रफल 100, अब हो गया 121, बढ़ा कितना 21%, और यही आपका क्या होगा आंसर। दूसरा तरीका देखिए, साधारण भिन्न निकाले तो कितना हो गया, पहले था आपका 10, अभी एक बढ़ गया तो कितना हो गया 11। क्षेत्रफल की बात करूं मैं तो कितना हो जाएगा 100, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 121, पहले था 100 अब 121 हो गया, बढ़ा कितना 21%। क्लियर है, तो अच्छा ऐसे निकाल लीजिए, अभी बढ़ा कितना आपका 21 कहां से 100 से, और ये 100 आपका कैंसिल हो जाएगा तो आपको आंसर कितना मिलेगा 21%। क्लियर है, मेथड नंबर 3 देखिए, 2x + -x² और बटा कितना 100। क्लियर है, 2 × x का मान आपका कितना है 10, प्लस x का मान 10 है, स्क्वायर है तो दो बार लिख लीजिए और बटा में कितना 100, ये वाला और ये वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा तो आपको कितना मिलेगा 21%। क्लियर है, तो मेथड नंबर 1, मेथड नंबर 2, मेथड नंबर 3 तीनों तरीका से मैंने आपको प्रेजेंट किया यहाँ पे। चलिए बढ़ते हैं, अब आशा करता हूं कि ये आपका क्लियर हो गया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 7 है आज का। चलिए जो भी क्वेश्चन नंबर है आप लोग कंटिन्यू करते चलिएगा, ध्यान में रखना क्वेश्चन नंबर कितना। देखिए आप देखते हैं यदि
किसे वृत्त की त्रिज्या 10% बढ़ा दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। चलिए क्वेश्चन को समझिए। जैसे आपके पास ये आपका सर्कल है और इसका आपका जो रेडियस है आर है, क्लियर है। आपने क्या किए, इस रेडियस को बढ़ा दिए, क्लियर है। जब आपने रेडियस बढ़ाएंगे तो इसका क्षेत्रफल भी बढ़ेगा, क्लियर है। तो जब क्षेत्रफल बढ़ेगा तो कितना क्षेत्रफल बढ़ेगा वो आपको निकालना है। आपका रेडियस पॉइंट ओ से इस तरह कितना है, आपने क्या किए इसके रेडियस को बढ़ा दिए। जब आपने रेडियस को बढ़ाएंगे तो आपका क्षेत्रफल भी इंक्रीज होगा। कहने का मतलब है कि एक सर्कल है, उसके रेडियस को इंक्रीज करेंगे तो सर्कल भी बढ़ेगा, और जब सर्कल बढ़ेगा तो उसका क्षेत्रफल भी बढ़ेगा, और वो क्षेत्रफल कितना बढ़ेगा आपको वही बताना। तो यदि मैं बात करूं एरिया ऑफ सर्कल होता है आपका पाई आर स्क्वायर, वेयर आर जो होता है वो क्या होता है, रेडियस ऑफ सर्कल होता है, राइट। उसके बाद डी बराबर आपका क्या होता है, टू आर होता है, वेयर डी क्या होता है, डायामीटर होता है, राइट। डी आपका क्या होता है, डायामीटर ऑफ सर्कल, क्लियर है। ये क्या होता है, डायामीटर ऑफ सर्कल। तो अभी हम लोग फिलहाल परसेंटेज के बेसिस पे डिस्कस कर रहे हैं, तो ज्यादा हम लोग डिस्कस करेंगे मेंसुरेशन वाले चैप्टर में। जब मैं आपको मेंसुरेशन पढ़ाऊंगा तो वहां पे इसको काफी डीप से और काफी अच्छे कंसेप्ट के साथ इसको बारीकी से क्वेश्चन को हल करेंगे। यहाँ से हम लोग सिंपली परसेंटेज वैल्यू को कंसिडर करके चल रहे हैं और परसेंटेज के बेसिस पे इसको प्रॉब्लम को सोल्व करें तो उसी के टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, राइट। तो चलिए यहाँ पे देखिए, कोई भी प्रश्न का मेन जो जान होता है या मेन कमी जो होता है वो क्या होता है, आपका परसेंटेज होता है। तो यहाँ पे परसेंटेज का वैल्यू आपका कितना है, 10% है। इसको हम लोग लिखे तो कितना होगा, 10/100 काटेंगे तो कितना मिलेगा, 1/10 कितना लिख लीजिए आपको। इसको भी हम लोग क्या करेंगे, दो तीन तरीके से बना लेंगे। चलिए मेथड नंबर वन, क्लियर। अब देखिए मेथड नंबर वन में पहले जो आपका क्षेत्रफल होगा वो कितना होगा, 100%। अब देखिए यहाँ पे एरिया ऑफ सर्कल कितना है, पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे रेडियस आपका कितना है, 10% है। तो ऐसा मान के चलिए कि पहले 100 था, आपने 10 बढ़ा दिया तो कितना हो गया, 110। और यहाँ पे आर स्क्वायर है तो यहाँ पे आपको रेडियस पहले कितना था, 100 था, और अभी कितना हो गया, 10 बढ़ गया तो कितना हो गया, 110। यहाँ पे आर स्क्वायर है तो इसी को दो बार आप गुना कर लीजिए और बटा में कितना लिखे, 100, क्लियर है। ये आर का मान हो गया, आर गुना आर करेंगे तो आर स्क्वायर हो जाएगा, क्लियर है। और बटा में कितना से गुना कर लिए, 100 से। तो अच्छा बटा में अपन कितना, 100 से डिवाइड कर लिए, सर। तो यहाँ पे आपको कितना मिलेगा, 121। अब यहाँ पे देखिए पहले था 100, अभी हो गया 121, तो बढ़ा कितना, 21%। तो ये क्या हो गया, आपका एरिया ऑफ सर्कल कितना बढ़ गया, 21%, क्लियर है। और ऐसा हम लोग क्यों करते हैं, जैसे देखिए आर स्क्वायर को लिए, पाई को हम लोग क्यों नहीं लिए, क्योंकि पाई वाला जब टर्म नीचे आएगा तो वो कैंसिल हो जाता है, तो वो काफी डेप्थ का चीज है, उसको हम लोग अभी डिस्कस नहीं करेंगे। आपको काफी जल्दी निकालना है आंसर, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करें। चलिए मेथड नंबर दो देखिए, रेडियस पहले कितना था, 10 था, अभी आपने क्या कर दिए, बढ़ा दिए 1 से, तो कितना हो गया, 11, क्लियर। एरिया की बात करूं मैं तो कितना हो जाएगा, एरिया कैसे निकालते हैं, देखिए पाई गुना आर स्क्वायर, तो पाई और आर का मान कितना है, 10, 10 का स्क्वायर करेंगे तो कितना मिलेगा, 100, तो आपका कितना हो जाएगा, 100 पाई, क्लियर है। उसके बाद देखिए रेडियस आपका है 11,
इसका हम लोग क्षेत्रफल निकाले तो कितना होगा, पाई गुना आर स्क्वायर, तो 11 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 121, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 121 पाई। क्लियर है? अब देखिए पहले था 100 पाई, अब हो गया 121 पाई, बढ़ा कितना 21 पाई, 21 पाई बढ़ा कहाँ से 100 पाई से, और गुना कितना 100। ये वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, ये वाला भी कैंसिल हो जाएगा, तो आपको मिलेगा कितना 21%। क्लियर? अब डिस्कस करते हैं मेथड नंबर तीन। देखो मेथड नंबर तीन, मेथड नंबर तीन देखे कैसे बनाएंगे। हमारे पास एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, 2x प्लस माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन कितना 100। क्लियर है? देखे यहाँ पे 2 x का मान कितना है 10%, तो यहाँ पे कितना रख लिया 10%। क्लियर? उसके बाद वृद्धि है तो प्लस का साइन, तो प्लस दे दिया यहाँ पे। उसके बाद x का मान 10 है, 10 गुना 10 किए तो बटा में कितना करना पड़ेगा 100। क्लियर? ये वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा तो आपको कितना मिलेगा 21%, और यही आपका क्या होगा आंसर होगा। क्लियर है? तो तीनों तरीका से हम लोग देखे तो आंसर कितना आ रहा था 21%। क्लियर है? तो ये मैंने आपको करा दिया स्क्वायर करा दिया, उसके बाद आपका करा दिया सर्कल करा दिया, उसके बाद अभी अपन देखेंगे रेक्टेंगल। क्लियर? जाइए देखते हैं हम रेक्टेंगल। चलिए 9 नंबर देखे रेक्टेंगल, उसके बाद होगा आपका सिलेंडर, सिलेंडर बोले तो बेलन। देख 9 नंबर, यदि आयत की लंबाई 10% तथा चौड़ाई 20%, इसको 20 कर लीजिए, तो चौड़ाई 10% बढ़ा दिया जाए और इसके पहले जो भी मैंने क्वेश्चन कराया था उसमें यदि कम की बात कहा जाएगा तो कम कर लेंगे और अधिक की बात कहा जाएगा तो अधिक कर लेंगे। ठीक है? कम ही रहेगा तो साइन माइनस कर देंगे और अधिक रहेगा तो साइन प्लस कर देंगे। राइट? देखिए यदि आयत की लंबाई 20% तथा चौड़ाई 10% बढ़ा दिया जाए तो आयत का क्षेत्रफल, तो आयत का क्षेत्रफल कितना प्रतिशत बढ़ेगा। क्लियर है? देखिए ये आपका क्या है आयत। क्लियर है? ए बी सी डी। क्लियर है? ऐसा फिगर जो चार लाइन से घिरा हो, चार रेखाओं से घिरा हो, जिसमें लंबाई बराबर चौड़ाई नहीं है। क्लियर है? इसका क्या रहेगा, लंबाई चौड़ाई के बराबर नहीं रहेगा। क्लियर है? और इसमें क्या रहेगा, लंबाई ऑलवेज ग्रेटर देन बी, लंबाई जो है क्या रहेगा चौड़ाई से ज्यादा रहेगा। क्लियर है? लंबाई आपका हमेशा क्या रहेगा चौड़ाई से ज्यादा रहेगा। तो इस प्रकार जो आपका फिगर है वो रहेगा वो क्या कहलाएगा, आपका रेक्टेंगल कहलाएगा। और यहाँ पे जो आपका एंगल बनेगा वो कितना बनेगा 90 डिग्री, और यहाँ पे भी एंगल जो आपका बनेगा वो कितना 90 डिग्री, और यहाँ पे भी जो एंगल बनेगा वो भी आपका कितना रहेगा 90 डिग्री रहेगा। क्लियर है? तो बढ़ते हैं हम लोग, ज्यादा हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे मेंसुरेशन चैप्टर में, बस हमारा जो क्वेश्चन है उसके हिसाब से मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करा देना चाहता हूँ। अब इसको पूरा हम लोग, मैं जैसे मैं परसेंटेज पढ़ा रहा हूँ और मेंसुरेशन के चैप्टर पढ़ाने लगूँ तो आप लोगों को भी अलग लगेगा, तो जितना क्वेश्चन है उसके हिसाब से अपन अभी डिस्कस कर रहे हैं। तो देखिए ये आपका क्या हो जाएगा लंबाई, और ये हो जाएगा लंबाई। रेक्टेंगल में क्या होता है, आमने सामने की भुजा बराबर होता है। जैसे देखिए यहाँ पे जितना रहेगा उतना यहाँ पे रहेगा, ये जितना रहेगा ये यहाँ पे इतना रहेगा। क्लियर है? आमने सामने की भुजा बराबर हो, लंबाई ग्रेटर देन हो, बी से लंबाई बराबर चौड़ाई ना हो,
जहाँ पे भुजा बनता है वहां पे एंगल आपका कितना डिग्री का होना चाहिए, 90 डिग्री का होना चाहिए। तो ये सारा पैरामीटर है किसका, रेक्टेंगल का। तो ये सारा पैरामीटर अपन डिस्कस करेंगे मेंसुरेशन चैप्टर में। चलिए आइए डिस्कस करते हैं इसको हम लोग कैसे बनाएंगे। तो चलिए आपका है मैटर नंबर वन, क्वेश्चन समझा देता हूँ। देखिए यदि आयत की लंबाई 20% बढ़ा दिया जाए, तो जैसे देखिए ये आपका है आयत का लंबाई, इसने आपने क्या किया इसको आपने बढ़ा दिया, क्लियर है, इसको आपने क्या किया बढ़ा दिया, क्लियर है। उसके बाद देखिए तथा चौड़ाई भी 10% बढ़ा दिया गया, चौड़ाई भी आपने क्या किए 10% बढ़ा दिए। तो आयत का क्षेत्रफल कितना बढ़ेगा वो आपको बताना है। तो आयत का क्षेत्रफल बराबर आपका जो फॉर्मूला होता है वो होता है कितना, एल गुना पी मतलब लंबाई गुना चौड़ाई, और इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल बराबर आपका होता है एल इंटू बी, क्लियर है। तो पहले जब अपन लंबाई और चौड़ाई मतलब पहले अपन जब क्षेत्रफल निकालेंगे तो पहले वाला जो क्षेत्रफल रहता है वो कितना रहता है 100% रहता है, क्लियर है। पहले जब आपका इनिशियल में क्षेत्रफल रहता है वो कितना रहता है 100%, हम लोग ऐसा मान करके चलेंगे मैटर नंबर वन में, क्लियर। अब उसके बाद जब आपने लंबाई भी बढ़ा दिए चौड़ाई भी बढ़ा दिए तब क्षेत्रफल कितना बढ़ा वो निकालते हैं। देखिए पहले लंबाई हम लोग कितना मान लेते हैं 100% और चौड़ाई भी अपन कितना मान लेते हैं 100%। तरीका देखिए कैसे बनेगा, देखिए आपने क्या किया लंबाई को 20% बढ़ा दिया, पहले लंबाई था 100 आपने 20 बढ़ा दिया तो अब कितना हो गया 120, क्लियर। उसके बाद देखिए चौड़ाई पहले था 100 आपने 10 बढ़ा दिया तो कितना हो गया 110, दोनों को गुना कर लीजिए क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला होता है एल इंटू बी, गुना कर लिए और बटा में कितना लिखेंगे 100, 200 कट जाएगा तो 12 × 11 आप करेंगे तो आपको कितना मिलेगा 132, क्लियर। अब देखिए पहले था 100 अब हो गया 132%, तो बढ़ा कितना 32% और यही आपका क्या होगा आंसर होगा, क्लियर। सिंपल तरीका है 100 में 20 जोड़े तो कितना 120 और फिर 100 में 10 जोड़े तो कितना 110। अब देखिए इसको और कैसे आपसे क्वेश्चन कर सकता है वो देखिए, और क्वेश्चन आपसे कैसे कर सकता है, यदि आयत की लंबाई 20% बढ़ा दिया जाए तथा 10% चौड़ाई घटा दिया जाए तो आयत का क्षेत्रफल कितना प्रतिशत बढ़ेगा या घटेगा, क्लियर है। चलिए तरीका देखिए 100 से सारा काम आपको करना है, पहले 100 था आप 20 बढ़ा दिए तो कितना हो गया 120 गुना, पहले 100 था आपने 10 घटा दिए तो कितना हो गया 90, क्लियर है। बटा में कितना लिखेंगे 100 कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 108, क्लियर है। 12 × 9 करेंगे तो कितना हो जाएगा 108, तो पहले 100% था इसका एरिया अब हो गया 108 तो बढ़ा कितना 8%, तो आंसर कितना हो जाएगा 8%, क्लियर है। तो ये हो गया आपका मैथड नंबर वन। मैथड टू से भी इसका देखें, मैथड टू से कैसे करेंगे, मैथड नंबर टू से देखें परसेंटेज का वैल्यू आपका कितना है 20% को कैसे लिखेंगे 1/5, ये आपका किसके लिए है लंबाई के लिए, चौड़ाई के लिए कितना है 10%, इसको कैसे लिखेंगे 1/10, क्लियर है। अब देखिए ये हो गया लंबाई और ये हो गया आपका चौड़ाई, देखिए पहले था कितना लंबाई 5, आपने क्या कर दिए 20% बढ़ा दिए थे तो ऊपर जितना रहेगा उतना बढ़ेगा तो ऊपर कितना 1, तो पहले था 5 अब 1 बढ़ गया तो कितना हो गया 6। उसके बाद देखिए बाद में, अच्छा ये लंबाई वाला ही है ना, हाँ अच्छा लंबाई वाला है, यहाँ पे कर लीजिए ठीक है। अब देखिए यहाँ पे चौड़ाई कर लीजिए, पहले था चौड़ाई कितना 10, आपने क्या कर दिए चौड़ाई को कम कर दिए तो 1 से कम हो जाएगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 9,
क्लियर है। यहाँ पे निकाल लीजिए एल बी मतलब क्षेत्रफल, 10 पचे कितना हो जाएगा 50 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 54। क्लियर है, पहले क्षेत्रफल कितना था 50, अब क्षेत्रफल कितना हो गया 54, बढ़ा कितना 4 बढ़ा कहाँ से 50 से, और इधर आपका कितना हो जाएगा 100, तो काट लेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 8%। तो आपका क्या हो गया मेथड नंबर 2। क्लियर है आपको कौन सा हो गया मेथड नंबर 2। अब डिस्कस करते हैं, चलिए हो गया मेथड नंबर 2 भी मैंने आपको बता दिया। अब देखिए एक और मैंने आपको फॉर्मूला बताया था 2x + -x²/100। ये यहाँ पे आपका फॉर्मूला नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ पे जो है आपका जो प्रतिशत की वैल्यू है वो कितना है, आपका जो प्रतिशत का वैल्यू 2 दिया हुआ है तो यहाँ पे नहीं लगेगा। क्लियर है, तो यहाँ पे एक और तरीका से आप लोग बना सकते हैं, उसका नाम है सक्सेसिव मेथड। सक्सेसिव मेथड से भी आप लोग बना सकते हैं, जैसे और कैसे बना सकते हैं देखिए, सक्सेसिव मेथड हमारा क्या होता है, ए प्लस बी उसके बाद है आपका ए गुना बी और बटा कितना 100, वृद्धि रहेगा तो प्लस का साइन, नहीं तो क्या करेंगे माइनस का साइन। तो ऐसे कर लीजिए ए प्लस माइनस बी प्लस माइनस ए गुना बी, मतलब वृद्धि रहेगा तो प्लस का साइन और माइनस रहेगा तो कमी। क्लियर है, अब देखिए यहाँ पे 20% बढ़ा दिया गया तो ए का मान आपको कितना मिल गया 20 प्लस में, उसके बाद 10% घटा लिया गया। क्लियर है, उसके बाद फिर से आप कितना लिखे प्लस, और 20 आपका क्या है प्लस में है और 10 आपका क्या है माइनस में, और बटा कितना 100। यहाँ पे कितना हो जाएगा 20 - 10, और यहाँ पे फिर से आपका कितना हो जाएगा प्लस माइनस माइनस 20 × 10 और बटा कितना 100। ये वाला और ये वाला कट जाएगा तो 10 × 2 = 12, तो 20 में से 12 जाएगा तो आपको कितना मिलेगा 8%। तो इस तरीका से मैंने आपको 4 रूल बता दिए, चारों तरीका से आप लोग बना सकते हैं। क्लियर है, लेकिन ये वाला जो मैंने बताया आपको 2x + x²/100, इससे आप बनाएंगे तो थोड़ा सा आपको ये हो जाएगा कि यहाँ पे परसेंटेज की 2 वैल्यू नहीं है तो आपको मिस्टेक होने के चांसेस है। क्लियर, चलिए और जब आपके पास 2 वैल्यू दिया रहेगा तो सक्सेसिव मेथड लगा करके बना लीजिएगा, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया ये भी बराबर a + - b + - a × b/100। क्लियर है, साइन अपने हिसाब से देख लीजिएगा आप लोग, वृद्धि रहेगा तो प्लस का साइन और माइनस रहेगा तो कमी का साइन। क्लियर है, मतलब कमी रहेगा तो आपको माइनस का साइन। तो यहां तक आपका हो गया, चलिए एक आखिरी क्वेश्चन मैं करवा देता हूँ, देखिए एक फ्रेश अच्छा सा क्वेश्चन आपको लेकर के करवा देता हूँ। देखिए दस नंबर क्वेश्चन, देखिए यदि किसी लंबवृत्तीय बेलन के आधार के त्रिज्या यदि किसी लंबवृत्तीय बेलन के आधार के त्रिज्या बेलन के आधार के त्रिज्या 40% बढ़ा दिया जाए 40% बढ़ा दिया जाए बढ़ा दिया जाए तो तथा उसकी ऊंचाई बढ़ा दिया जाए तथा उसके ऊंचाई 37.1/2% घटा दिया जाए तो उसके आयतन में
कितने प्रतिशत की कमी आएगी वो आपको निकालना है, राइट। तो चलिए अब यहां पे हम लोग डिस्कस करते हैं। जैसे देखिए ये आपका क्या हो जाता है, बेलन है आपका सिलेंडर, क्लियर है। और ये जो है आपका वो क्या है, त्रिज्या, किसका, आधार का, क्लियर है। प्रश्न के हिसाब से देखिए, यदि किसी लंबवृत्तीय बेलन के आधार के त्रिज्या 40% बढ़ा दिया जाए, तो यहाँ पे जो आपका त्रिज्या था पहले 40% उसको क्या कर दिया गया, बढ़ा दिया गया, यहाँ ला दिया गया, क्लियर है। तो जब आपका त्रिज्या बढ़ेगा तो आपका क्या होगा, आयतन भी बढ़ेगा, क्लियर है। तथा उसकी ऊंचाई 37% घटा दिया जाता, ये जो आपका ऊंचाई है पहले था h, अभी क्या हो गया, इसके ऊंचाई को घटा दिया गया, कितना घटा दिया गया, 37.1/2% घटा दिया गया, क्लियर है। इसका जो आपका ऊंचाई है वो कितना घटा दिया गया, यहां से सपोज कितना हम लोग घटा दिए तो आपको कितना मिल गया, 37.1/2%, क्लियर। तो अब आपसे पूछा है कि उसके आयतन में कितने प्रतिशत का कमी आएगा, वही आपसे पूछा। तो देखिये बेलन के आयतन की बात करें, एरिया ऑफ सिलेंडर की बात करें, तो यहाँ पे कितना होता है फॉर्मूला, पाई आर स्क्वायर एच, क्लियर है। एरिया ऑफ सिलेंडर कितना होता है, एरिया ऑफ सिलेंडर कितना होता है, पाई आर स्क्वायर एच, मीन्स बेलन का आयतन कितना होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। देखिये त्रिज्या कितना है, त्रिज्या का परसेंट कितना है, 40/100, इसको निकालेंगे तो कितना आएगा, 4 का 2 10 का 5 करेंगे तो कितना मिलेगा, 2/5, क्लियर है। इसका मतलब है कि रेडियस पहले था 5, अब आपने क्या कर दिया, 2 से बढ़ा दिए, तो अब कितना हो गया, 7, क्लियर है। अब देखिए हाइट वाला जो आपका है परसेंट वो कितना है, हाइट वाला कितना है, 37 × 74 = 75/2 परसेंट हटाएंगे बटा में 100, 25 से काट लिए 4 बार तो कितना मिलेगा, 3/8, क्लियर है। अब देखिए अब इसका मतलब आपका क्या है, एच का देखिए पहले था हाइट 8, अब आपने क्या कर दिए, घटा दिए ना, तो आपने क्या कर दिए, घटा दिए, पहले था 8, अभी आपने क्या कर दिए, 3 घटा दिए तो कितना मिल गया, 5, क्लियर है। घटाने की बात कहेगा तो घटा देंगे और जोड़ने की बात कहेगा तो जोड़ देंगे, क्लियर है। चलिए अब हम लोग देखते हैं, निकाल लेते हैं अपना आयतन। तो यहाँ पे आयतन निकाल लेंगे पाई आर स्क्वायर एच, तो यहाँ पे हो जाएगा पाई, आर का मान है 5, स्क्वायर करेंगे तो कितना मिल जाएगा, 25, और एच का मान कितना, 8 है, तो आप करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, 200 पाई, क्लियर है। यहाँ पे देखिए पाई, उसके बाद R का मान है 7, स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, 49, और H का मान कितना है, 5, क्लियर है। गुना करेंगे तो कितना मिलेगा, 9 × 5 = 45, 5 × 20 = 24, 245 पाई, क्लियर है। तो देखिए पहले आपका बेलन का आया आयतन आया 200 पाई, अब आ गया 245 पाई, कितना बढ़ गया, 45 पाई बढ़ा, कहां से, 200 से, और गुना कितना, 100, ये वाला और ये वाला, अच्छा 200 पाई से बढ़ा था ना, पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, 2 × 2 = 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 45/2 का मतलब क्या हो जाएगा, 22.5%। तो बेलन का जो आयतन है पहले से कितना बढ़ गया, 22.5%, और यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। तो ये तो हमारा बेसिक था, अभी हम लोग बेसिक क्लास 3-4 क्लास देखेंगे, उसके बाद क्वेश्चन के लेवल को हाई करेंगे। ये जैसे हमारा बेसिक है, बेसिक में बहुत सारे न्यू लड़के भी हैं, तो उनके हिसाब से मैं चल रहा हूँ। और देखिए इतने सारे टाइप का मैं एक ही क्वेश्चन को इतने सारे टाइप से सोल्व कर रहा हूँ कि आपको बाद में ऐसा नहीं लगेगा कि कोई भी मेथड छूट रहा है या वो मेथड मेरे से नहीं बनता, ठीक है। जितने भी मेथड से बनाना इजिली पॉसिबल है वो सारे मेथड को हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए थैंक यू फॉर वॉचिंग इट, और जो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिर से हमारा अभी बेसिक ही रहेगा, बेसिक हमारा 3 या 4 क्लास रहेगा, क्योंकि परसेंटेज काफी बड़ा चैप्टर है और काफी इम्पोर्टेंट भी चैप्टर है। तो चलिए आज के लिए इतना ही।